गुड इवनिंग दोस्तों। चश्मा हटाने वाले, नजर को साफ करने वाला आई ड्रॉप, आइए जानते हैं इसका सच। तो उससे पहले हम ये जान लें कि आई का मैकेनिज्म कैसा है। जो आपकी आंखों में लाइट की किरणें हैं, वो आपके प्यूपिल से, यानी कि जो काली पुतली में एक छेद होता है, वहां से गुजर के आपके पर्दे पे गिरती है, एक इमेज बनाती है। उस इमेज को प्रोसेस करके ऑप्टिक नर्व के द्वारा आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अब जो ये ड्रॉप है, इट इज नथिंग बट पाइलोकार्पिन 1.25%। ये ड्रॉप आपके प्यूपिल को, इस छेद को, जो आपकी काली पुतली में एक राउंड सा छेद होता है, उसको और सकरा कर देती है, ताकि जो लाइट रेज है वो सिर्फ आपके एक सिंगल बीम में डायरेक्ट आपके पर्दे पे गिरे। अब ये ड्रॉप कई वर्षों से हम 2% कॉन्सेंट्रेशन में यूज कर रहे हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ ग्लॉकोमा। लेकिन अब इसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करके इसको मार्केट किया जा रहा है फॉर अदर पर्पजेस, जैसे जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जिनको नियर विजन में, रीडिंग में दिक्कत हो रही है, 40 के बाद सभी को होती है। और इन केसेस में रिकमेंड किया जा रहा है कि मॉर्निंग में एक ड्रॉप डाल लीजिए और दिन भर आप बिना चश्मे के भी रीडिंग वर्क, आपका पढ़ने का काम, बारीक काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें जानना है कि इसके अलावा और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ड्रॉप तो आप ले लेंगे, ड्रॉप आप डाल भी लेंगे, हम रिकमेंड भी कर देंगे, बट इसके साथ आने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। तो आइए बताते हैं कि क्या क्या इसमें पॉसिबल है। सबसे पहले तो इस ड्रॉप को रात को आपने नहीं डालना है, केवल दिन में सुबह आपने एक बार डालना है और कंटिन्यूस नहीं डालना है। तो जब भी आपको ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप चश्मा किसी वजह से नहीं पहनना चाहते, तब आप डाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ यू कैन एक्सपीरियंस हेडेक, यू कैन हैव डिफ़िकल्टी इन नाइट विजन, क्योंकि ये आपकी पुतली को सकरा कर देता है। तो क्योंकि फिजियोलॉजिकली आपकी पुतली जो है डायलेटेड रहती है ड्यूरिंग लो लाइट कंडीशंस, स्पेशली एट नाइट। तो उस समय आपको धुंधलापन नजर आ सकता है, स्पेशली एट नाइट टाइम व्हाइल ड्राइविंग। तो इट इज़ बेटर कि आप इस ड्रॉप को सिर्फ सुबह डालें और वो भी कंटिन्यूस नहीं डालें, क्योंकि ये आपके पर्दे को भी स्ट्रेच करता है। इसमें यहाँ से पर्दा आपका स्ट्रेच हो सकता है एंड एट द सेम टाइम रेटिनल डिटैचमेंट के भी कॉम्प्लिकेशंस नोटेड है, ऑल्दो वेरी रेयर, बट यू शुड नो दैट क्रोनिक एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस मेडिसिन कैन कॉज रेटिनल डिटैचमेंट एज वेल। बाकी दिस ड्रॉप शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली जिनका पावर बहुत हाई माइनस पावर है, क्योंकि उनका रेटिना ऑलरेडी स्ट्रेच्ड होता है। बिकॉज द आईबॉल लेंथ इज लॉन्ग, द रेटिना इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रेच्ड एंड वेरी थिन, तो वो इजीली डिटैच हो सकता है। सो इट शुड बी अवॉइडेड इन पीपल हु हैव हाई माइनस पावर्स। उसके अलावा यदि आप कभी कभार यूज करना चाहते हैं ये ड्रॉप, तो मॉर्निंग में एक ड्रॉप डाल सकते हैं।